अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण का बुधवार को समापन हुआ। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 8 मार्च से उत्कृष्ट विद्यालय में महिला एवं बाल विकास व जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में बालिकाओं को मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण 8 मार्च से 24 मार्च तक दिया गया, जिसका बुधवार को समापन हुआ। समापन अवसर पर मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य केएल बामनिया, महिला बाल विकास अधिकारी संजय भारद्वाज मौजूद थे। इस अवसर पर विधायक परिहार ने बालिकाओं को पुष्पमाला पहनाकर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बालिकाएं मौजूद थी। महिलाओं को ट्रेनिंग देना है अपराजिता कार्यक्रम 15 दिन की जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के माध्यम से, वही ट्रेनिंग 8 मार्च से हमने चालू की थी और 15 दिन से वो ट्रेनिंग थी, तो 24 तारीख को हमने उसका समापन किया है। और आज जो बालिकाएं हैं जिन्होंने खेल एवं युवा विभाग के माध्यम से इसकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनका प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम आज हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आगामी समय में हम इसी प्रकार का नेक्स्ट बैच भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। सर, इसमें जो हमारा रजिस्ट्रेशन था वो तो 100 बालिकाओं का था, कि 100 बालिकाओं को हमने यहाँ रजिस्टर करके ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया था। और उसमें से कुछ 10 बालिकाएं तो जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है, तो उसका नॉमिनेशन करके हमने जिला खेल युवा कल्याण विभाग को भी हमने दे दिया है, क्योंकि उसमें से हमने 10 बालिकाएं प्रतिभा के तौर पर निकाली है और बाकी सभी बालिकाओं को हम लोग प्रमाण पत्र देंगे। नहीं, इसमें जो बालिकाएं हैं मैक्सिमम बालिकाएं वही है जिन्होंने जूडो कराटे की ट्रेनिंग ली, और अगर कुछ 2-4 अगर हो सकता है कि दूसरी बालिकाएं भी बैठ गई तो हम लोग अटेंडेंस ले ही रहे हैं तो हमें मालूम पड़ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम बालिकाएं वही है जिन्होंने जूडो कराटे की ट्रेनिंग ली।